हेलो एवरीवन, अब अपन देखते हैं ट्वेल्थ क्लास का एक टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है और कैसे होता है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। लेट एफ एक्स बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए ऑन ओपन इंटरवल ए बी। किसी ओपन इंटरवल ए बी में एक रियल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए एफ एक्स, और उसमें कोई सी हो जो किसके बीच में बिलोंग करे, ए बी के बीच में बिलोंग करे। सी बिलोंग्स टू ए बी क्योंकि ओपन इंटरवल है, मतलब इसके बीच में बिलोंग करे। देन एफ एक्स इज सेट टू बी डिफरेंशिएबल और डेरिवेटिव एट सी। डिफरेंशिएशन एक पॉइंट पर निकलेगा एट सी इफ एंड ओनली इफ लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी एग्जिस्ट फाइनेटली। फाइनेटली मतलब ये इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, ये फाइनेटली होना चाहिए। और जो लिमिट के बारे में आपने 11th क्लास में पढ़ा है कि लिमिट हम कैसे सेट करते हैं और कैसे लेते हैं, एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। अब डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशंस में क्या क्या आएगा वो देखते हैं। दिस लिमिट इज कॉल्ड द डेरिवेटिव और डिफरेंशियल कोफिशियंट ऑफ एफ एक्स एट सी। ये लिमिट जो है ये इस एफ एक्स का डिफरेंशिएशन है या डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव या डिफरेंशियल कोफिशियंट ऑफ एफ एक्स एट सी। अब समझने इसको ध्यान से जरा, एंड इज डिनोटेड बाय एफ डैश सी डी एफ सी डी एफ एक्स डी एक्स एट सी समटाइम्स डी वाई बाय डी एक्स। आप जिसको समझते हैं डी वाई बाय डी एक्स, इस पर अपन बाद में बात करेंगे। या आपको अच्छे से पता है कि कैसे सॉल्व करते हैं, आपका 11th क्लास में इसको सॉल्व किया है, ओके। अब हमको बताना है कि ये किस तरह से होगा। सो एफ डैश सी इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। लेकिन आगे देखें इसको अपन, अब हमको एक देखनी है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट, मतलब किसी पॉइंट सी के जस्ट नियरर पॉइंट के ऊपर एफ डैश सी क्या होता है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी से, या लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो C माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच। इसे हम बोलते हैं LHL, लेफ्ट हैंड सॉरी LHD सॉरी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट सी एंड इज डिनोटेड बाय एफ डैश माइनस सी और एल एफ डैश सी। एल इट मीन्स लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ सी। सिमिलरली राइट हैंड डेरिवेटिव भी होता है, देख लीजिए मैं आपको बता देता हूँ। C प्लस एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स प्लस सी, तो यहाँ C प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एफ सी अपॉन एच इज कॉल्ड राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट सी, ओके। राइट हैंड डेरिवेटिव इट मीन्स जस्ट नियरर टू C इन राइट साइड और जस्ट नियरर टू C LHL में इन लेफ्ट साइड, ओके। एंड इट इज डिनोटेड बाय एफ डैश सी प्लस और आर एफ डैश सी। अब समझना ध्यान से, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट सी, तो जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होना चाहिए, और यदि ये इक्वल नहीं है तो हम कहेंगे इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट सी। एक सेंटेंस बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा, जितने भी कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं वो सब डिफरेंशिएबल हों ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन जितने भी डिफरेंशिएबल फंक्शन है वो सब कंटिन्यूस होने चाहिए। एक बार फिर से बोलता हूँ इंग्लिश में सुनिए, ईच एंड एवरी कंटिन्यूस फंक्शन इज नॉट नेसेसरी इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, बट ईच एंड एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस। अब डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन बहुत कम है, जैसे पहला क्वेश्चन लिखें शो दैट एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। आपको पता होगा कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड एक्स कंटिन्यूस है एक्स इज इक्वल्स टू जीरो पर यह डिफरेंशिएबल नहीं है। क्यों नहीं है? सबसे पहले हम LHD लेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, यही लिखा था अपन ने। अब इसको हम x में कन्वर्ट करेंगे, ओके। ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस एफ एक्स माइनस एफ जीरो अपन एक्स माइनस जीरो। अब इसको हमने काय में चेंज करा, h में चेंज करा। आप बोलेंगे कि ये c भी है h भी, एक्चुअल में c और ये एक ही चीज़ है। यहाँ से h में चेंज होगा, जैसा अपन ने पहले LHS और HS में लिखा था, जीरो माइनस एच माइनस एफ जीरो अपन जीरो माइनस एच माइनस जीरो। एफ जीरो माइनस एच यहाँ रखेंगे, एफ जीरो यहाँ रखेंगे, देखिए हमने रखा, नीचे तो माइनस एच आ रहा है, ये जीरो हो गया। मॉड में
माइनस एच, बाहर कितना आएगा प्लस एच, एच से एच कैंसिल, या माइनस वन, या वन हो जाएगा क्योंकि एच है ही नहीं, तो लिमिट रखने पर इसकी वैल्यू नेगेटिव आ गई, मतलब नेगेटिव माइनस वन। ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बना मॉड एक्स के लिए एक्स इजिकल्स टू जीरो पर। सेम हम आर एच डी देखेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। यहाँ पर x मैंने डायरेक्ट लिखा x, यहाँ c, c की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, जीरो, जीरो रख दो आप, ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। देखिए लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो अपॉन जीरो प्लस एच माइनस जीरो, ओके। अब वैल्यूज रखी हमने, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई प्लस वन, कट कर दीजिए आप चाहें तो एस से एच। तो हम क्या देखते हैं कि एल एफ डैश जीरो इज नॉट इक्वल्स टू आर एफ डैश जीरो, मतलब जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव माइनस वन है और राइट हैंड डेरिवेटिव प्लस वन है, तो हम कहेंगे सो एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। ओके, अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं कि शो दैट एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल्स टू वन, फाइंड एफ डैश वन। अभी पहले आप देखेंगे डिफरेंशिएबल है कि नहीं। सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिया, लिमिट एक्स टेंस टू वन माइनस एफ एक्स माइनस एफ वन अपॉन एक्स माइनस वन। अब लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ ऑफ वन माइनस एच माइनस एफ वन अपॉन वन माइनस एच माइनस वन, वैल्यूज रख दीजिए ये वाली, आपने वैल्यू रखी एक्स की जगह वन माइनस एच, एक्स के साथ एक्स की जगह आएगा तो वन माइनस एच का होल स्क्वायर, वन की जगह एक्स स्क्वायर तो वन का स्क्वायर, और माइनस एच डिनोमेटर में एजरिस प्लस वन माइनस वन कैंसिल। आपने ब्रैकेट ओपन करा, माइनस वन से प्लस वन कैंसिल कर दीजिए, माइनस वन से प्लस वन कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ अभी प्लस वन से माइनस वन कैंसिल कर दीजिए। अब देखिए माइनस एच कॉमन, इन दोनों से माइनस एच कॉमन, माइनस एच से माइनस एच फिर कैंसिल, ये माइनस एच से माइनस एच फिर कैंसिल, तो टू माइनस एच। जैसे ही आप लिमिट लेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, टू, ओके। आप लिमिट जीरो रख दीजिए तो वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, टू। ये क्या है आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब हम देखते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, आर एफ डैश एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू वन प्लस एफ एक्स माइनस एफ वन अपॉन एक्स माइनस वन। इसको डायरेक्ट हमने एच में चेंज करा तो वन प्लस एच माइनस एफ वन अपॉन वन प्लस एच माइनस वन, प्लस वन से माइनस वन फिर कैंसिल। वही प्रोसीजर पूरा फॉलो करेंगे हम, देखिए हमने वही रखा वन प्लस एच एफ में है, एफ हमारा कितना है एक्स स्क्वायर, तो हमने लिखा वन प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, फिर ये प्लस वन से माइनस वन जो है वो कैंसिल हो गया, एच कॉमन, एस से एच फिर कैंसिल हो गया, और हमने लिमिट ले ली। तो जैसे हम लिमिट लेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, टू। तो राइट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी कितना बन रहा है, टू, राइट हैंड डेरिवेटिव भी कितना बन रहा है, टू। सो एल एफ डैश वन इज इक्वल्स टू आर एफ डैश वन इज इक्वल्स टू टू, सो एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल्स टू वन। फिर क्वेश्चन ने वैल्यू पूछी है, फाइंड एफ डैश वन, तो जो एफ डैश वन होगा वो कितना होगा, टू, क्योंकि दोनों का डिफरेंशिएशन की वैल्यू टू है, एफ डैश वन की वैल्यू कितनी होगी, टू।